हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के सीधा चयन जो है किया जा रहा है 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। नए राज्य से वैकेंसी आई है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जिन भी जनपद से वैकेंसी जारी की गई है अभी तक, वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताई गई है और आगे भी जो है बताई जाएगी। अभी नए राज्य की वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। धीरे धीरे सभी राज्यों से आना स्टार्ट होगी, आप लोग रेगुलर बने रहें। इस वैकेंसी में जो है बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले दोनों ही जो है मान्य हैं। यानी 2 वर्ष का अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्री हासिल किया है तो भी आप जो है इस वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। बीएड वाले तो इसमें लिए ही जाते हैं। 15 जुलाई जो है वो लास्ट डेट रहेगी। 1 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है और लास्ट डेट है 15 जुलाई। सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा इसमें सामान्य वर्ग की 21 से लेकर 38 वर्ष रखी गई है। सैलरी आप सभी जानते हैं, पूर्णकालिक की जो सैलरी है 24,200 जो है वो फिक्स हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट का जो है कहना होता है कि कस्तूरबा विद्यालय में परमानेंट वैकेंसी नहीं आती है क्या, तो आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही जो है इसमें वैकेंसी निकाली जाती है। कई टीचर्स ऐसे हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद उनकी पोस्ट को जो है हर साल आगे बढ़ाते चले जाते हैं। 3 सालों से जो है मैं खुद ही जो है देख रही हूँ, 3 सालों से इस विद्यालय में रेगुलर जो है वो टीचर जा रहे हैं। यानी आपका जो है इसमें यदि बहुत अच्छा काम रहता है, आप रेगुलर जो है वो अच्छा वर्क करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो परमानेंट बने रह सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी जॉब इससे अधिक जो है सैलरी में लगती है तो आप खुद ही जो है यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए नए राज्य की वैकेंसी की बात कर लेंगे। वैकेंसी जो है वो पलामू जनपद से आई हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है और इसमें टाइटल नंबर 3 है, नोटिस फॉर सिलेक्शन फॉर टीचर्स। तो ये जो है टीचर्स की जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, आप सभी जो है जान गए हैं। तो इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है कि इसमें परमानेंट वैकेंसी आएगी तभी फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये जो है झारखंड गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल और कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल दोनों से ही जो है वैकेंसी है और कुल जो है वो 12 KGVV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, इसमें वैकेंसी है। झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू की तरफ से 12 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, महिला अभ्यर्थी ही जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। पड़ोसी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखें, 12 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पलामू से वैकेंसी है। यहाँ आप लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपके जानने ज़रूरी है, इससे पहले क्या होता था कि जो सीटेट पास कैंडिडेट हैं और जेटेट जिनका क्लियर है वही जो है यहाँ आवेदन कर सकते थे, बट नियम जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। चाहे आपने सीटेट क्लियर किया है या पड़ोसी राज्यों से टेट क्लियर किया है, यानी किसी भी राज्य का टेट क्लियर है या सीटेट है आपका, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्लियर है तो आप बिल्कुल इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। कंडीशन क्या थी कि सीटेट तथा पड़ोसी राज्यों से भी टेट पास करने वाले को चयन में शामिल करने हेतु आदेशित किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि उपरोक्त में से कोई अभ्यर्थी चयन हो जाता है तो क्या है, 3 वर्ष के अंदर जे टेट प्रथम प्रयास में ही जो है उसको पास करना होगा। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसमें कंडीशन ये है कि 3 साल के अंदर आप लोगों को जे टेट प्रथम प्रयास में ही जो है उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, यद्यपि झारखंड सरकार 3 वर्ष के अंदर जे टेट का आयोजन नहीं करती, अगर जब राज्य सरकार ही नहीं कर रही है जे टेट का आयोजन, तो ऐसी कंडीशन में जो है अभ्यर्थी पर, जो सफल अभ्यर्थी होंगे उन पर यह शर्त तो लागू ही नहीं होगी। यानी आप जिस पोस्ट पर हैं बने रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, और जिन कैंडिडेट का चयन हो जाता है तो उनको प्रथम प्रयास में तो पास करना ही है, साथ में 3 महीने का समय जो है तैयारी के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, ये आवश्यक सूचना है। अब देखते हैं पूरा विज्ञापन। 15 जुलाई 2024 5 बजे तक जो है डाक के माध्यम से आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय, ब्लॉक सी, कमरा नंबर 9, पिन 8
22101 पलामू, ये पूरा एड्रेस है। इसमें आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के साथ में। और भी क्या कंडीशन है तो आप देख लें। अभी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय प्रखंड पीपरा पलामू से 6th to 8th क्लास के लिए हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान टीचर की वैकेंसी है। और उसके बाद जो है खुद पलामू में ही जो है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कुल वैकेंसी है 10, ठीक है। ऊपर जो वैकेंसी थी 4 वैकेंसी थी प्रखंड पीपरा में। चयन हेतु जो है योग्यता क्या कही गई है, तो 6th to 8th के टीचर बनने के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका को मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अपने विषय में, जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई करेंगे, क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित पदों हेतु जो विषय हैं न्यूनतम 50% अंक के साथ जो है स्नातक ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। SC ST विकलांग कोटि के अभ्यर्थी को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट मिलेगी, ठीक है। तो 45 जो है प्रतिशत आपके होने चाहिए यदि आप SC ST विकलांग कोटि में आते हैं। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, परास्नातक किया है, तो और भी जो है आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, BEd या समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, यानी स्नातक तो आपने किया है साथ में BEd या समकक्ष परीक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण आपकी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 6th to 8th के टीचर के लिए। साथ में लिखा है आपके पास जो है वो JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा TET की वैधता आजीवन मान्य की गई है, ठीक है। और वो ऊपर जो नियम बदला था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आपका JTET क्लियर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, CTET क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके राज्य का TET क्लियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के 20 मार्च 2024 के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के लिए CTET तथा पड़ोसी राज्यों से TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के संबंध में निर्देश प्राप्त हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ, तो ये 3 महीने का समय जो है आपके लिए रहेगा तैयारी का। अभी जो है बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि आप कुछ भी जो है इसमें मिस नहीं कर सकते। पूरा विज्ञापन जो है आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर लापरवाही आप ना करें अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाता है, आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी नहीं करें। चयनित होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी, तो 1 साल के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और उसके बाद कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1-1 वर्ष के लिए जो समय है वो आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है तो आप समझ गए कि आप अपने जगह पर जो है रेगुलर बने रह सकते हैं। आयु सीमा जो है 21 से 38 वर्ष है। आयु सीमा में छूट केवल झारखंड के जो अभ्यर्थी उनको मिलेगी। इसमें अनरिजर्व EWS BC1 BC2 फीमेल ऑल कैटेगरी की 38 वर्ष ही रहेगी। SC ST अगर फीमेल है तो 40 वर्ष है और PWBD 10 साल की है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले नोटिस में यहाँ पर 4 नंबर पर रिक्रूटमेंट है, इस पर क्लिक करना है। ये पेज आपके सामने होगा। 3rd नंबर पर आपके लिए है यहाँ पर नोटिफिकेशन पूरा, इसको पढ़ना है। और 10 पेजों की ये PDF फाइल है जिसमें 7 नंबर पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसे आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी हायर क्वालिफिकेशन है वो सब इसमें लगा दें। अनुभव है अगर कहीं का तो वो भी लगा दें, क्योंकि आप लोगों का चयन जो है मेरिट के आधार पर होगा। जितने अधिक मार्क्स होंगे तो चयन जो है उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।